नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीए न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खास खबर की ओर। जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सभी बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री अपनी विदेश यात्रा के बाद आ रहे हैं। उनकी जापान और साउथ कोरिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात हुई। दिसंबर में राजीव राजस्थान होने वाला है। उस समय राजस्थान में बहुत सारा निवेश आएगा, बहुत सारे MOU पर समझौते होंगे और MOU धरातल पर उतरेंगे। कितनी उम्मीद है? नहीं, बहुत, सभी बहुत उत्साहित हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं अपनी यात्रा के बाद, और वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने ये जितनी भी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जापान के, साउथ कोरिया के, उनसे मीटिंग्स हुई उनकी। वहाँ पर बहुत अच्छे, जो उनकी पूरी यात्रा है बहुत सफल यात्रा थी, और हम सभी को बहुत अपेक्षा है कि हमारा जो राइजिंग राजस्थान दिसंबर में होने वाला है, उस समय बहुत सारा निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा राजस्थान में, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और वो सब हम लोग कर पाएंगे। बहुत सारे MOUs भी होंगे और MOUs धरातल पर उतरेंगे, ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है कि ये राजस्थान में हो रहा है। इससे हमारी जो रोजगार की संभावनाएं हैं, रोजगार बढ़ेगा और बहुत अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, राजस्थान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी था, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि पहले ही वर्ष में इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं।